हेलो गाइस, आई एम राज एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश कॉर्नर विद राज मेहरा। आई गाइस, एक न्यूज़ को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और इसमें से टफ वर्ड्स और कोई सेंटेंस फ्रेमिंग और कोई एडवांस मिलती तो वो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोनिया शुड एक्सप्लेन व्हाई शी वांट्स टू हेल्प चाइना। बीजेपी, ठीक है, बीजेपी ऐसा आरोप लगा रही है कि सोनिया को एक्सप्लेन करना चाहिए। शुड हम जब भी सलाह देते तब बोलते हैं, ठीक है, तो सोनिया को एक्सप्लेन करना चाहिए क्यों शी वॉन्ट्स टू हेल्प चाइना, वो चाइना की हेल्प क्यों करना चाहती है, बीजेपी ऐसा पूछ रही है उनसे। ठीक है, आइए से पढ़ते हैं, से समझने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लेन मीन्स होता है किसी को व्याख्या करना, ठीक है, डिटेल में समझाना। द बीजेपी ऑन वेनसडे एक्यूज कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बुधवार, ऑन वेनसडे मीन्स बुधवार को, एक्यूज मीन्स होता आरोप लगाना, ठीक है, तो आरोप लगाया जो कांग्रेस की लीडर हैं सोनिया गांधी, कांग्रेस के नेता हैं सोनिया गांधी, उन पर आरोप लगाया किसका, ऑफ ट्राइंग टू हेल्प, कोशिश करने का, मदद की कोशिश करने का, द कंट्रीज एनमी, जो देश के जो एनमी है, देश के जो दुश्मन है उनकी मदद करने का आरोप लगाया। तो वो एनमी कौन है, चाइना, ठीक है। बाय सीकिंग, सीक मीन्स होता मांगना, ठीक है, डिमांड करना किसी चीज़ की हेल्प, सजेशन, एडवाइस आदि की, ठीक है। बाय सीकिंग एन ओपन डिबेट ऑन कंट्रीज प्रिपरेशन ओवर टैकलिंग चैलेंजेस एट द बॉर्डर। सीकिंग एन ओपन डिबेट, खुली बहस की मांग करते हुए, ठीक है, सीक मीन्स होता मांगना, कि कोई चीज़ मांग करना, तो एक खुली बहस की मांग करते हुए किस पर, ऑन कंट्रीज प्रिपरेशन, देश की तैयारियों पर, ठीक है, ऑन कंट्रीज प्रिपरेशन, देश की तैयारियों पर, ओवर किसको लेकर, ओवर टैकलिंग चैलेंजेस एट बॉर्डर, बॉर्डर पर जो चुनौतियों को निपटने के लिए, ठीक है, निपटने से लेकर, तो वो एक ओपन डिबेट चाह रहे थे कांग्रेस के जो लीडर हैं, तो उसके लिए, तो टैकल मीन्स होता है किसी समस्या से निपटना, ठीक है, हैंडल करना, चैलेंजेस मीन्स होता है चुनौतियाँ, तो जो कांग्रेस लीडर वो चाहते हैं कि एक ओपन डिबेट हो जिसमें देश बताए कि वो क्या क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं कि बॉर्डर पर कैसे निपटना है, ठीक है। सोनिया गांधी वॉन्ट्स टू नो इन द इन पार्लियामेंट, तो सोनिया गांधी जानना चाहती हैं, पार्लियामेंट में से होता संसद, तो वो संसद में जानना चाहती हैं अबाउट किसके बारे में, व्हाट प्रिपरेशंस द कंट्री हैज़ मेड, क्या क्या प्रिपरेशंस, तैयारियां की हैं देश ने, कंट्रीज़ ने, हमारे ने की हैं टू हैंडल, निपटने के लिए, टू हैंडल द चाइनीज़ एग्रेशन, जो चाइना का जो एग्रेशन है, मतलब कि चढ़ाई, जो हर तीसरे दिन चौथे दिन वो कोई ना कोई कांड कर देता आ जाता है इधर, तो उनको एग्रेशन, जो आक्रमण जो करता है, उसको हैंडल करने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं, ठीक है, उससे निपटने के लिए क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं। शी, ये सोनिया गांधी की बात हो रही, शी सोनिया गांधी शुड एक्सप्लेन, सोनिया गांधी को एक्सप्लेन करना चाहिए टू द कंट्री, देश को, दैट कि शी इंटेंड मीन्स होता इरादा करना, ठीक है, शी इंटेंड्स टू हेल्प द एनमी, क्या वो जो एनमी है, जो दुश्मन है, उनकी, उनको मदद करना चाहती हैं, उनका इरादा मदद करने का है, इंटेंड मीन्स होता है इरादा करना, ठीक है, तो जो एनमीज कंट्री है उनका, उनको मदद करना चाहती हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, टोल्ड रिपोर्टर्स, उन्होंने रिपोर्टर्स को बोला, ऑन द पार्लियामेंट प्रेमिसेस, जो पार्लियामेंट, संसद का जो परिसर है वहाँ पर उन्होंने रिपोर्टर को बोला कि जो सोनिया गांधी, वो एक्सप्लेन करें कि क्या वो देश के जो एनमी हैं उनकी मदद करना चाहती हैं, उनका इरादा है उनकी मदद करने का, प्रेमिसेस में होता है परिसर, ठीक है। द मिनिस्टर सैड, मिनिस्टर में होता मंत्री, मंत्री ने कहा डैट कि द कांग्रेस लीडर वर मेकिंग अनएक्सेप्टेबल डिमांड्स, तो जो कांग्रेस के लीडर हैं वो एक अस्वीकार्य डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जिसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। इवन एज अ डिटेल्ड रिप्लाई वॉज गिवन, एक डिटेल विस्तृत जानकारी रिप्लाई जानकारी दी गई थी बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके द्वारा, इमीडिएटली आफ्टर द क्लैश, तुरंत जो मुठभेड़ हुई थी उसके क्लैश, उसके बाद, ठीक है, इमीडिएटली मीन्स होता तुरंत, बिटवीन, किसके बीच में हुई थी, बिटवीन द इंडियन एंड चाइनीज बॉर्डर एट तवांग टुक प्लेस, जो तवांग में जो हुआ था, टेक प्लेस में जो घटना, जो तवांग में जो घटना घटी थी, क्लैश जो हुआ था इंडियन और चाइनीज बॉर्डर के बीच में, उसके तुरंत बाद जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक डिटेल्ड रिप्लाई दिया था।
taking a dig at Congress and Sonia Gandhi by terming them नकली कांग्रेस एंड नकली गांधी. ठीक है, टेक अ डिग मिस होता है किसी पर तंज कसना, किसी की मजाक उड़ाना. टेकिंग अ डिग एट कांग्रेस एंड सोनिया गांधी, तो कांग्रेस पर और सोनिया गांधी पर तंज कसते हुए. बाय टर्मिंग, टर्म मिस होता है किसी को किसी नाम से बुलाना, किसी चीज़ को या किसी इंसान को कोई नाम से बुलाना. बाय टर्मिंग दैम, उन्हें बुलाते हुए, नकली कांग्रेस एंड नकली गांधी. ठीक है, एज दे प्रोटेस्टेड इन फ्रंट ऑफ द गांधी स्टैचू, जैसे कि उन्होंने जो प्रोटेस्ट मिस होता है विरोध करना, तो उन्होंने विरोध किया इन फ्रंट ऑफ के सामने, किसके सामने, गांधी स्टैचू, तो जो गांधी का जो स्टैचू है, जो मूर्ति, उनके सामने किया. इनसाइड द पार्लियामेंट, संसद के अंदर. ठीक है, इनसाइड द पार्लियामेंट प्रेमिसेस, जो पार्लियामेंट के प्रेमिसेस है, परिसर है, उनके अंदर. ठीक है, जोशी सैड, जोशी ने कहा इट इज़ गुड डैट, यह सही है, नकली गांधी एंड नकली कांग्रेस रिमेंबर्स महात्मा गांधी. तो जो नकली गांधी हैं और जो नकली कांग्रेस है, उनको महात्मा गांधी को याद करना चाहिए पहले. फर्स्ट, पहले दे शुड स्टडी, उन्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें स्टडी करना चाहिए. व्हाट दे लॉस्ट, उन्होंने क्या खोया. एंड गेन, और क्या पाया. एंड हाउ वी लॉस्ट, और हमने क्या खोया. परमानेंट, और हमने क्या खोया. परमानेंट मेंबरशिप एट UNSC, तो हमने परमानेंट जो सदस्यता थी UNSC में वो खो दी. ड्यूरिंग, किसके दौरान. ड्यूरिंग देयर ग्रांड ओल्ड लीडर, तो उनके जो पुराने, सबसे पुराने जो लीडर थे, नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूल्स, नेहरूज रूल्स, तो इनके शासनकाल में. रूल मीन्स होता है शासन. ठीक है, तो जो उनके पुराने, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में हमने, तो UNSC में सदस्यता खो दी थी हमेशा के लिए. तो ये उन्हें याद करना चाहिए सबसे पहले. यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अर्लियर हैड इन्फॉर्म द पार्लियामेंट, तो ये यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं. ठीक है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैड अर्लियर में सोता पहले हैड इन्फॉर्म द पार्लियामेंट, तो उन्होंने संसद को सूचित किया था, इन्फॉर्म किया था डेट की चाइनाज पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ट्रूप, जो ट्रूप में सोता आर्मी का दस्ता. ठीक है, तो PLA ट्रूप ट्राई टू ट्रांसग्रेस द LAC इन द यांगसे एरिया ऑफ थवांग सेक्टर इन अरुणाचल प्रदेश. तो बोलें कि जो PLA है, उन्होंने कोशिश की टू ट्रांसग्रेस. ट्रांसग्रेस मीन्स होता है सीमा पार करने की. ठीक है, ट्रांसग्रेस मीन्स होता है कोई आपने कानून बनाया, उसे कोई क्रॉस कर रहा, तो वो ट्रांसग्रेस कर रहा है. जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं सीमा पार करना, हद पार करना, या लक्ष्मण रेखा पार करना. तो उन्होंने क्या ट्रांसग्रेस किया, कोशिश की, जो LOC है उसे पार करने की कोशिश की. इन द, कहाँ पर, इन द यांगसे एरिया में. यांगसे का कोई क्षेत्र है, यांगसे क्षेत्र वहाँ पर, ऑफ तवांग सेक्टर के, इन अरुणाचल प्रदेश में. ठीक है, एंड यूनिलेटरली मीन्स होता है एक तरफा. ठीक है, बाइलेटरली मीन्स होता है दो तरफा. आपने सुना होगा बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, इस तरीके से हिंदी में वर्ड सुने होंगे, द्विपक्षीय वार्तालाप. ठीक है, तो यूनिलेटरली मीन्स होता है एक तरफा. तो उन्होंने यूनिलेटरली चेंज द को स्टेटस, तो उन्होंने जो मौजूदा स्थिति है, को स्टेटस, को मिस होता है मौजूदा स्थिति, प्रेजेंट सिचुएशन, उसको चेंज करने की कोशिश की एक तरफा. ठीक है, बट दे वेंट बैक टू देयर लोकेशंस, वो लेकिन वो अपने लोकेशंस पे, अपने अपने जो जगह हैं उन पर वापस चले गए. ड्यू टू टाइमली इंटरवेंशन ऑफ द इंडियन मिलिट्री एंड इंडियन मिलिट्री कमांडर्स, जो इंडियन मिलिट्री कमांडर्स हैं भारतीय सेना के, उनके टाइमली इंटरवेंशन के कारण वो वापस चले गए. इंटरवेंशन मीन्स होता है बीच बचाव करना. ठीक है, बीच में आ जाना, जब बाई चांस जैसे कि कोई दो लड़ रहे हैं, इंटरवीन से बना हुआ है. इंटरवीन मीन्स होता है बीच बचाव करना. ठीक है, गिविंग अ स्टेटमेंट, एक बयान देते हुए, इन द हाउस, सदन में. ठीक है, द डिफेंस मिनिस्टर हैड एश्योर्ड, तो जो डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री है, उन्होंने एश्योर किया. ठीक है, मतलब विश्वास दिलाया. द अपर हाउस, उच्च सदन है उसको, डैट की आर फोर्सेस आर कमिटेड, जो हमारी फोर्सेस हैं प्रतिबद्ध हैं. कमिटेड मीन्स होता है किसी को अपना टाइम, समय, पैसा, सारी चीज़ें देना. ठीक है, मतलब डेडिकेट होना कम्प्लीटली. तो जो हमारी फोर्सेस हैं कमिटेड हैं, किस लिए, किसके लिए, प्रोटेक्टिंग आर टेरिटरी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, जो हमारी क्षेत्रीय अखंडता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कमिटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं. ठीक है, इंटेग्रिटी मीन्स होता है ऑनेस्टी, ईमानदारी, या फिर अखंडता, जिसे तोड़ा ना जा सके. ठीक है, उसे अखंडता बोलते हैं. तो जो हमारे देश की जो
क्षेत्रीय अखंडता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं एंड विल कंटिन्यू, और कंटिन्यू रहेंगे, करते रहेंगे टू थवार्ट। थवार्ट मीन्स होता है किसी को रोकना, विफल करना, ठीक है, स्टॉप करना किसी को, और कंटिन्यू रोकते रहेंगे एनी अटेम्प्ट मेड ऑन इट, और कोई भी इस पर जो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है अगर उस पर कोई भी अटेम्प्ट किया जाएगा, कोशिश की जाएगी तो उसे रोका जाएगा, ठीक है। तो थवार्ट मीन्स होता है स्टॉप करना किसी को, विफल करना, नाकाम करना। इंटेग्रिटी मीन्स होता है अखंडता, जिसे डिवाइड ना किया जा सके। टेरिटोरियल मीन्स होता है क्षेत्रीय, ठीक है, टेरिटरी से बना हुआ ये। लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू, तो जो लॉ मिनिस्टर कानून मंत्री हैं हमारे किरेन रिजिजू, ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर साइटेड पास इंस्टेंसेस, साइट मीन्स होता हवाला देना किसी का, एग्जाम्पल के तौर पे बताना, ठीक है। साइटेड पास इंस्टेंसेस, इंस्टेंस मीन्स होता है मिसाल या उदाहरण, तो उन्होंने पास्ट में जो पहले का उदाहरण दिया, ठीक है, हवाला देते हुए दिया उन्होंने, व्हेन द यूपीए गवर्नमेंट, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हैड डिनाइड डिलीबरेशन इन द हाउस ऑन सच अ मैटर्स एंड सेड, तो बोले कि जो किरण जो लॉ मिनिस्टर, उन्होंने हवाला दिया पुराने उदाहरणों का, जब यूपीए गवर्नमेंट ने हैड डिनाइड, मना कर दिया था, डेलिब्रेशन मीन्स होता है विचार विमर्श, ठीक है, किसी मुद्दे के बारे में डिस्कस करना या उसके बारे में सोचना, ठीक है, तो उन्होंने मना कर दिया था, ठीक है, विचार विमर्श का, इन द हाउस, सदन में, ऑन किस पर, ऑन सच अ मैटर्स, इन ऐसे मुद्दों पर, एंड सैड, और उन्होंने कहा इट इज़ नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है, टू रैक अप सेंसिटिव इशूज पॉलिटिकली, तो ऐसे मुद्दों को उठाना जो संवेदनशील मुद्दे हैं उनको पॉलिटिकली उठाना सही नहीं है, ठीक है। रैकअप मिस होता है किसी पुराने जख्मों को कुरेदना, ठीक है, किसी पुरानी बातों को छेड़ना दोबारा, तो उन्होंने बोला कि ये पुरानी बातों को छेड़ना, ये मतलब ये सही नहीं रहेगा, ऐसे मुद्दों को उठाना पॉलिटिकली, ठीक है, सही नहीं रहेगा। रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस, रिस्पॉन्ड मिस होता है जवाब देना, जवाब देते हुए क्वेश्चन, सवालों का जवाब देते हुए, ऑन द इशू, मुद्दों पर, बाय रिपोर्टर्स, रिपोर्टर्स द्वारा, ठीक है, इन पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, पार्लियामेंट जो क्वेश्चन किए जा रहे थे रिपोर्टरों द्वारा, उन पे जवाब देते हुए, ठीक है, संसद के जो कॉम्प्लेक्स है, परिसर है, वहाँ पर। रिजिजू सैड, रिजिजू ने कहा, जो लॉ मिनिस्टर हमारे, द बॉर्डर इशू इज़ वेरी सेंसिटिव, जो बॉर्डर के जो इशू हैं, जो मुद्दे हैं, वो बहुत ही संवेदनशील हैं, एंड देर इज़ अ कन्वेंशन इन द पार्लियामेंट ऑफ नॉट डिस्कसिंग सच अ मैटर इन द हाउस, तो कन्वेंशन मिस होता है रीति रिवाज, जैसे कि हम बोल सकते हैं हमारे यहाँ पैर छूना बड़े लोगों का, वो क्या है, कन्वेंशन है, रिवाज है एक, तो कोई ऐसी चीज़ जो पुरानी, जो हमारी रिवाज है, उसे कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है, तो बोले कि देर इज़ अ कन्वेंशन इन द पार्लियामेंट, संसद में एक रिवाज है ऑफ नॉट डिस्कसिंग सच अ मैटर्स, ऐसे मुद्दों पे ना बात करने का, इन द हाउस और सदन में, ठीक है, तो ये कन्वेंशन का मतलब होता है रीति रिवाज, जैसे कि किसी के पैर छूना रीति हमारे कन्वेंशन है।